दक्षिण पूर्वी जिला के मैदान गढ़ी थाने की पुलिस टीम ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों के पास से 1 मोबाइल फोन, 3 अंगूठी और लेडीज बैग भी एक बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम और अमित के रूप में की गई है और एक माइकल नाम के शख्स भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी दिल्ली के मैदान गढ़ी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि एक शिकायतकर्ता ने 16 दिसंबर को मैदान गढ़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके घर में घुसकर चोरी की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के हत्थे ये तीनों आरोपी चढ़ गए हैं। एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक लेडीज बैग और सामान भी बरामद किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कालका जी से विधायक आतिशी मार्लेना से खास बातचीत की। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया देखिए। यूं तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तकरार कई मुद्दों पे होती रहती है, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ गई कि जल निगम के कार्यालय पे हमला बोल दिया गया। हमारे साथ आतिशी जी। आतिशी जी, भाजपा का कहना है कि वो क्योंकि पूरी जनता परेशान है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, टैंकर माफिया सक्रिय है, पानी को लेकर त्राहि माम मचा हुआ है, इसलिए भाजपा को विवश होकर मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। भाजपा आजकल दिल्ली में गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं था। सबसे पहले जो भाजपा के पार्षद सीएम हाउस के बाहर धरने पे थे, उन्होंने वहाँ पे सीसीटीवी तोड़े। उसके बाद भाजपा का प्रदर्शन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर था। जब उनका सिर्फ परिवार, उनकी पत्नी और उनके बच्चे घर के अंदर थे, तो घर के अंदर जोर ज़बरदस्ती करके घुस गए। पुलिस वालों ने उन्हें रोका नहीं। और ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे जल बोर्ड के ऑफिस में इतनी भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आए। यहाँ पे तो खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सबसे आगे थे। और ये भाजपा आम पब्लिक भी बहुत ज्यादा थी, जो पानी की समस्या से रोज जूझ रही है, उनको लेके जाना पड़ा। हाँ। सर्दियों में पानी की खपत बहुत घट जाती है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में। तो अगर जनता परेशान होकर मई जून के महीने में प्रोटेस्ट कर रही होती तो हम मान जाते कि जनता का प्रोटेस्ट है, लेकिन दिसंबर के महीने में कहीं पानी की त्राही त्राही नहीं मचती है, ये सबको पता है। कि जो आप कहते हैं कि केजरीवाल किसान विरोधी हो, किसान का साथ देना छोड़ दो, ये बातें तो नहीं थी ना। आपने इसको वो जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें किसान की राजनीति ले आते हैं। वो स्पष्ट तौर पे कह रहे थे, वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि क्यों केजरीवाल किसानों के साथ खड़ा है। आप मुझे बताइए क्यों मनीष सिसोदिया जी के घर में घुस गए, वो भी पानी का मामला था क्या? क्यों सीसीटीवी तोड़ दिया, वो भी पानी का मामला था क्या? ये सारी राजनीति किसानों से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी नगर निगम में लाख कोशिशों के बाद जीत पाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर निगम में, और अब चुनाव आ गए हैं तो वो राजनीति करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। और कुल मिलाकर के एजेंडा सिर्फ ये है कि इस तरह का नगर निगम को, यहाँ की जनता को इतना परेशान किया जाए कि वो विवश होकर आम आदमी पार्टी को वोट करे नगर निगम में। और इस यही वजह है कि आप 13,000 करोड़ रुपए भी नहीं दे रहे हैं, कर्मचारी भूखों मर रहा है उनका। खुद तो 2,500 करोड़ पचा गए भाजपा वाले। 2,500 करोड़ का जो नॉर्थ एमसीडी में घोटाला हुआ है, वो इस शहर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी नहीं था। अब भाजपा और उसके नेता वो 2,500 करोड़ पचा गए। अब क्या चाहते हैं कि भाई सिर्फ एक साल बचा है? वो तो खुद मानते हैं कि हमारे सारे पार्षद चोरी करते हैं, तो हर बारी वो टिकट बदल देते हैं। तो इन बेचारे पार्षदों को लगता है कि चोरी का सिर्फ एक साल बाकी है, 2,500 करोड़ तो खा गए, 13,000 करोड़ और चाहिए कि उसकी भी हम चोरी कर सकें। इस आस्थी में इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीका नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो नगर निगम के चुनाव आएंगे दोनों पार्टियों में लड़ाई और तेज होगी। कैमरामैन सुनील के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।